इतना मेहनत से कमा के जो हम लिए है उसको नुकसान क्यों करना भाई, अपना खुद का करो ना, मेहनत करो, तब तुम्हें पता चलेगा। ये क्रोमा कंपनी ने क्या इसको बैन कराओ, ये मेरे को अभी दिखा चला भाई, ये तो भगवा कलर है, ये तो हम तो हिंदू में इसको कितना रेस्पेक्ट करते हैं ये कलर को। ओह माय गॉड, ये क्या बना दिया तूने अंकित मेरे को। सो हे गाइस, मैं हूं आपका रॉक लामा और मुझे ये चैनल पे आप बहुत दिनों बाद देख रहे हैं। ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैं पूरा का पूरा गायब ही हो गया था, ब्लॉग बनाना ही बंद कर दिया था। सच बताओ तो मैं एक काले सय के अंदर चला गया था, लाइक नेगेटिव एनर्जी पूरा शरीर पे भर गया था, जैसे कि रात भर मोबाइल चलाना और दिन भर फोन यूज करना, ये ना मेरा कंटिन्यूसली कि ना 20 दिन तक ऐसा ही चल रहा था। और उसके बाद मेरे कुछ दोस्त मेरे को कॉल करके मेरे को मोटिवेट करने लगे कि भाई तू ये क्या कर रहा है रॉक लामा, तू पहले की जैसा नहीं दिख रहा है भाई, तू अपने पिछले वाले फॉर्म पे आ भाई, डांस वीडियो बना, ब्लॉग बना, तेरा ना चाहने वाले बहुत सारे तड़प रहे तेरा वीडियो देखने के लिए। पर फिर भी ना मेरे दिमाग में ये घुसता ही नहीं था, ठीक है बोल के ना मैं टाट देता था अपने दोस्तों को। तो ऐसे ही रात भर फोन चलाना, दिन भर सोना चल रहा था। और एक दिन माँ पापा मेरे को बैठा के बात किए बहुत ही इमोशनल तरीके से कि बेटा ये क्या हो गया तेरे को ना, मतलब मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ना सुन रहा था माँ क्या बोल रहा है, पापा क्या बोल रहा है, मेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं ना, मैं सब कुछ समझ रहा था। और मैं करना भी चाहता था डांस वीडियो, ब्लॉगिंग, फिर पहले की तरह क्रेजी वीडियो बनाना, पर फिर भी ना मैं कर ही नहीं पा रहा था, मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भर गया था मेरे शरीर पर। फिर उसके बाद मैं मंदिर वगैरह गया ताकि थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी मिले मेरे को। तो वैसे ही करके अभी कितना 3-4 दिनों से थोड़ा सा तबीयत जो है ठीक रहा है, और मैं रात को जल्दी सोने का ट्राई कर रहा हूँ और सुबह अभी जल्दी उठ रहा हूँ। मुझे पता है दोस्तों आप लोग मुझे ना बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बट मैं ही ना कभी कभी ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सॉरी। एंड इतने दिनों से जो वीडियो नहीं आ रहा था उसके लिए आपका मैं पैर पकड़ के मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, बट अभी नॉर्मली मैं ठीक हूँ। ये हंसा हुआ चेहरे के पीछे इतना ज़्यादा गम छुपा हुआ ना, वो मैं आगे जाके बताऊंगा जब हम एक लेवल में पहुंचेंगे ना, जब टाइम आएगा तब हम बताएंगे सभी को। ओके, अभी तो यही है, आप लोग को खुश रखना है, अच्छा अच्छा वीडियो बनाना है। बट कुछ दिन पहले एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ है अपने रॉकी के साथ, तो आप सभी को मैं मिलाना चाहता हूँ अपने रॉकी से। आप यहाँ से देख रहे हैं अपना रॉकी एकदम मस्त तो दिख रहा है, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है ना, बट अगर हम लोग ये साइड में आए ना तो आप यहाँ पे अपना रॉकी का मिरर देख सकते हैं, ये टूटा हुआ है। ये एक्चुअली एक हफ्ते पहले की बात है, मैं ना भूटान से ना अपना दोस्त का बर्थडे पार्टी करके आ रहा था, तब सुबह इस तरीके का मेरा बाइक मिला पड़ा हुआ था। ठीक है, ये जो अपना रॉकी का मिरर टूटा हुआ है ना, ये मेरे साथ ना फर्स्ट टाइम हुआ है जयगांव में, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो ये अपने जयगांव में जिस बंदे ने भी किया है ना, वो पक्का ही मेरा हेटर्स ही है, तभी तो उसने किया है ना। दूसरों के लिए भले ही ये स्पोर्ट्स बाइक होगा, कि मेरे लिए ना ये सुपर बाइक है। मैं पहले से मैं सुपर बाइक बोलता आ रहा हूँ और हमेशा बोलूँगा, लोग हंसते रहते हैं भाई ये 300 को तू सुपर बाइक क्यों बोल रहा है, हमें भी पता है ये सुपर बाइक नहीं है, बट मेरा लाइफ का पहला जो यूट्यूब इनकम से हम बाइक लिए थे, ये तो मेरे लिए सुपर बाइक ही हुआ है ना। और जो जयगांव न्यूज टूडे में अपलोड किया था ना वीडियो, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो मेरे सपोर्ट में थे, और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी था जयगांव में जिसका कांच वांच टूटा दिया गया। और वहाँ पे एक कमेंट दिखाया था कि भाई ये ना ये इसने खुद तोड़ाया है और ये जानबूझ के वीडियो में ये सिंपैथी गेन करने का नाटक कर रहा है। भाई ये मेरे से नहीं होता है, जो सच है ना उसमें सच है भाई। जयगांव न्यूज टूडे में वहाँ जाके दिखा दो मैं कितना गुस्से से, एक्चुअली उतना गुस्सा भी नहीं होना चाहता, बट मेरा ना ये सर के ऊपर से ना मेरा खून चढ़ गया था भाई। इतना मेहनत से कमा के जो हम लिए है उसको नुकसान क्यों करना भाई, अपना खुद का करो ना, मेहनत करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये इतना मतलब होता ना, अपना जान से भी प्यारा चीज़ों को जब टूटाता है ना तब कितना दर्द होता है। ठीक है, सीधी बात है गाइस, जब मैं इमोशनल होता हूँ ना, जब मेरे आँख से आंसू निकलता है ना, उस टाइम पे बजरंगबली कसम मैं कभी भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ उस टाइम पे। हाँ ठीक है, मैं मस्ती करता हूँ, ओवर एक्टिंग करता हूँ, वो अपने चीज़ में, वो एक मैं कंटेंट को और भी अच्छा बनाने के लिए वो ओवर एक्टिंग हो जाता है, बट जब हम इमोशनल होते हैं ना, जब आँख से आँसू होता है, उसमें हम मजाक नहीं करते, सीरियस बात। तो यही हुआ अपना रॉकी का, ये थोड़ा सा टूटा दिया है कांच, बट इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए ना इसको अंदर डाल देते हैं। कुछ दिनों से मैं बाइक सच बता दूँ तो गाइस, मैंने ना बाइक कितना 20 दिन हो गया आई थिंक, मैं बाइक चलाया नहीं है, बस एक हफ्ते पहले मैं गया था थोड़ा सा और वहीं पर ऐसा हादसा हो गया।
और उसके बाद मैंने बाइक चलाया भी नहीं हूँ, और कितने दिनों से ये देखो पूरा का पूरा धूल मिट्टी से भर गया, पानी आ गया है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ना ये पूरा का पूरा ये हो रहा है, ये देखो रंग आ रहा है ये देखा। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ आई थिंक ज़्यादा ही बात हो गया है, पर फिर भी आप सबसे रिक्वेस्ट है बस प्यार करते रहिएगा। आज मेरा ना बहुत सारा काम है, जब अपना कोलकाता से रमेश भाई आए थे ना तब हम नॉर्थ सिक्किम घूमने गए थे ना, वहाँ पे ना मेरा ATM घूम गया है, तो सबसे पहले जाके ये पासबुक दिखा के ना ATM बनवाएंगे, अपने रॉकी को पोल स्टार्ट करेंगे, अपने रॉकी को ना धुलाएंगे, ऐसा धुलाएंगे ना कि बाइक पे अपना चेहरा दिखे, ठीक है। और उसके बाद छोटा मोटा काम है जयगांव में जो हम आज निपटाएंगे। सोया गए माँ का भाई, बहुत दिनों बाद ब्लॉग ऑन कर रहा हूँ ना, मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। सो या गाइस, आप काफी दिनों बाद मुझे मोटो ब्लॉगिंग में आप देख रहे हैं। ये रहा अपना रॉकी, इसका मिरर जो टूटा हुआ है आज हम इसको बनवाएंगे, अभी के लिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे अड़ा दिया हूँ। और अब तो बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, कुछ दिन पहले अपना रॉकी का पिछवाड़ा ना गिर गया था यहाँ पे, ये देख सकते हैं टूट गया था, ये अपने गांव का रास्ता ही चला रहा था उस टाइम पे टूटा हुआ था, तो इसको भी आज जाके वेल्डिंग करा के बनवा देंगे, ठीक है। तेरा सेक्सी सा बदन ऊपर के 36 नीचे का 32, तोर भूड़ी में घुसा के गन्ना के जूस निकलता की नौस, निकलता की नौस। बहुत दिनों से ना मेरे माइंड में ये गाना चल रहा है, इसमें ना हम पब्लिक डांस बनाएंगे, ठीक है, बहुत जल्द। सो गाइस, यहाँ से भी रास्ता जाता है, बट यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि आगे रास्ता ख़राब है, तो हम जाएंगे दिस वे, ओके। ओए बस गिरे ना यार, ओम नमः शिवाय। ए आराम से, ए मुन्ना मेरा बच्चा आ रहे, तू कुछ नहीं होगा जब तक हमें तेरे साथ, ठीक है। ए हे हे, चलो गाइस अपना टी गार्डन का रास्ता होकर जाएंगे। बाप रे बाप, पूरा गर्मी लग रहा है मेरे को। बाइक मस्त है भाई, जो मैंने ये बाइक लिया हो ना, मैंने सही डिसीजन लिया भाई, ये लेके पैसा वसूल बाइक है भाई। बस थोड़ा ऑफ रोडिंग में हाथ पांव गीला करना पड़ता है, मेरा मतलब बस कहीं कहीं थोड़ा सा मोटा खर्चा हो जाता है, बाकी तो सब ठीक है। नमस्कार पापा जी, मम्मी जी नमस्ते। ATM बनाने जा रहे हैं। मेरी प्यारी माता जी, जय सिया राम। वो व्हाट हैपेंड, ओह माय गॉड, जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस आई थिंक किसी का डेथ हो गया, डेड बॉडी को लेकर ना जा रहे शमशान घाट, आई होप कि उसकी आत्मा को शांति मिले। सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, मर के कुछ ले जाना है नहीं, तो जब तक आप इस दुनिया पे अलाइव हो तब तक सभी के साथ खुशियाँ बांटो, सबकी हेल्प करो, और सबके साथ ना खुशियाली तरीके से रहो, किसी को हेट ना करो, क्योंकि एक दिन तो सबको जाना ही है यार। मैं इसको अभी इसलिए ज़्यादा भगा रहा हूँ ताकि मैं ना चेक कर रहा हूँ, इतने दिनों से बाइक नहीं चलाया ना, कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, बट सब कुछ सही है। अपने जगहों पे ना कावासेकी का कुछ काम अच्छे से होता ही नहीं क्या, मतलब होता ही नहीं है काम। बट कुछ दिन पहले मैंने जस्ट आगे एक भैया से बात किया, वो बोल रहा था कि उसका बेटा सपना सुपर बाइक का काम करता है बाहर में, तो वो जब आने से ना कॉल करेगा बोल रहा था मेरे को, तब बनवाने से सर्विस करने से भी हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। ओए ओए ओए, तो मैं आ चुका हूँ अपने अमर भाई के घर पे, अभी कर रहा है अपना लंच और मेरे साथ जा रहा है ATM बनवाने के लिए जाएगा हूँ। तो हम आए यहाँ पे, भाई ने बोला खाना खाओगे और हम भी भूखे थे तो हमने मना नहीं किया, तो हमारा खाना बैगन भाजा करेला, ए भाई करेला तो हम नहीं खाता यार, तो तू खा लेते, हम नहीं खाता है, वो तीता होता है। ऑल राइट, मस्त खाना खा के हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट। ये यूनियन बैंक बंद है क्या? अच्छा खुला है, ओके ओके। तो गाइस हम आए थे बैंक के अंदर जाके बात को समझे, तो यहाँ पे ना अपना ATM जो है अभी नहीं निकलेगा, एक हफ्ते के बाद आने के लिए बोला, बिकॉज अभी ना इलेक्शन का वो ट्रेनिंग कुछ लोचा चल रहा है, एक हफ्ते बाद अपना ATM मिलेगा। अब यहाँ से निकलने से पहले मैं आप लोगों को एक ऑफर देना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर जयगांव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नजारा है, ये मार्केट है और अंदर पे JB है ना, और ये जो दुकान है इसी के सामने अपना ये दुकान है, आप अंदर देख सकते हैं कौन है, इसके अंदर है हमारे अंकित सर जी। हेलो मालिक साहब, क्या हाल है? एकदम बढ़िया भाई, मैं देख पहले क्या क्या निकाला। वाह
तो मेरे जितने भी सारे जयगांव के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए एक ऑफर है गाइस। ये जो जितने भी सारे यहाँ पे कपड़े देख रहे हैं, ये देखो इतना अच्छा टी शर्ट वगैरह, जैसे कि अभी गर्मी के टाइम आएगा तो उसके लिए एकदम कॉटन का कपड़ा, और ये पेंट वगैरह आप देख सकते हैं। मतलब ये जितने भी सारे चड्डी बनियान जो भी है ना, अपना अंकित भाई आप लोग को ऑफर दे रहा है, बाय वन गेट टू फ्री। यस, बाय वन गेट टू फ्री, ठीक है। मतलब ये एक खरीदो और ये दो ले जाओ फ्री में। हाँ, और एक एक टी शर्ट का एमआरपी देखो भाई, 600 700 800 का टी शर्ट है। मतलब इतना सस्ता, इतना सस्ता भाई, लूट लो, क्योंकि मैं ना क्लोज कर रहा हूँ। हाँ, मैं बना रहा हूँ भाई, अपना भाई जो है एक महीने तक ये दुकान ओपन है, उसके बाद ये दुकान क्लोज हो जाएगा या तो एक महीने से पहले। तो मैं चाहता हूँ एक महीने से पहले, या तो जब ये वीडियो अपलोड होगा तब दूसरे दिन ही आप लोग यहाँ पे आके बाय वन गेट टू फ्री लूट लो पूरा दुकान को, क्योंकि भाई ने अपना दूसरा बिजनेस खुलाया है बहुत बड़ा वाला। तो ये छोटा मोटा दुकान अब भाई के लिए कुछ काम का है नहीं, तो इसीलिए तो तू बाय वन गेट टू फ्री दे रहा है इतना अच्छा अच्छा कपड़ा। एड्रेस बता दे भाई, आएगा कैसे? तू बता दे एड्रेस है, जयगांव सुपरमार्केट, गोविंद प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, इंटीग्रिटी। और नंबर चाहिए आपको, खुद कांटेक्ट करना अपने भाई को, तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर और एड्रेस भी दे दूंगा मैं, ठीक है? कॉल कर लेना भाई, कॉल कर लेना, मेरे को रॉक नंबर का, इसका नंबर मांगना, मैं नंबर भी दे देगा। 1000 रुपया नंबर का, रॉक का नंबर मिल जाएगा। ए भाई, ये तो बिजनेस कर रहा है, तो B2B कर रहा है, ऐसा मत करना। तो एक बात बता अंकित भाई, तेरे लिए मैंने बाय वन गेट टू फ्री अपने यूट्यूब वीडियोस पे मैंने सभी को बता दिया, अब मेरे लिए क्या है कुछ? भाई है ना, देख तेरे को एक मस्त स्कीम बताता हूँ, तेरा एक सच बता दे, ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो वीडियो को एक क्लिप काट दूंगा। मेरे लिए कुछ है कि नहीं? है ना, क्या लेगा? क्या है, क्या देगा तू? साइज बता। ए माशाल्लाह, ओए भाई तू क्या सोचता है, मैं ये तो तू जेंडर नहीं समझता है क्या? ओ सॉरी, हम वो देखा था एक बार, तू टी शर्ट चेंज कर रहा था ना, तो हम कैसा दिखा कुछ? क्या दिखा? अच्छा तेरे को क्या दे, हम स्पेशल लड़का वाला दे दे, चड्डी बनियान, लड़का वाला चड्डी बनियान। हाँ, वो भेस्ट वगैरह कुछ दे दे, लड़का का चड्डी बनियान। मैंने अंकित भाई का काम किया, अंकित भाई बदले में हमें कुछ गिफ्ट दे रहा है, जो एजेंसी। आओ दिखाओ क्या है भाई, बड़ा सेक्सी लगेगा तेरे पे, ऐसे शोल्डर दिखेगा। क्या बात कर रहे? हाँ सही में, चेंज कर, चेंज करो। हाँ सच में? हाँ अंकित, वो मेरा अंकित भाई, रुक आराम से। अब ठीक लग रहा है भाई? ओ माय गॉड, ये क्या बना दिया तूने अंकित, तेरे को साला इसने तो मेरा जेंडर ही चेंज कर दिया। सुना, फैशन का ये जलवा करता है, किधर कैमरे में देखे? हाँ हाँ ठीक है। फैशन का है ये जलवा, थोड़ा अच्छा वाला दे भाई। भाई थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सॉरी। हाँ ये ठीक है, तू सच में मेरे को दे रहा है? गाइस सच में अंकित भाई हमको गिफ्ट दे रहा है, अंकित भाई यहाँ पे आइए आप, हम आपको हार्दिक प्रणाम। कुछ नहीं भाई, तू 800 का सामान लेके जा रहा है ना, तेरा नंबर बेच के हम लाख रुपए नहीं कमाए, मैं नाम बदल देना। थैंक यू सो मच अंकित सर, गेम खेल्नु भएको छ। सो आज म तपाईँलाई बताउँछु मोस्ट बेट एप को बारेमा, जसमा तपाईँले प्रॉफिट गर्नु हुन सक्छ अनलाइन गेम खेलेर। मोस्ट बेट एउटा राम्रो बुकमेकर एप हो, यसमा हजुरले ना घबराइकन ट्रस्ट गर्न सक्छ। मिलियन्स मान्छेले यो मोस्ट बेटमा डेली क्याश प्राइजहरू जित्छ, अनि तपाईँले प्रेडिक्ट गरेर सबै स्पोर्टमा बेट लगाउन सक्छ, लाइक फुटबल, क्रिकेट, कबड्डी, अझै धेरै गेम्सहरू। तपाईँले क्याश प्राइज जित्नु सक्नुहुन्छ मोस्ट बेट को वेबसाइटमा लाइभ स्ट्रिम हेरेर। मोस्ट बेटमा धेरै गेम्सहरू छ, लाइक अवेटर, अन्डर बाहर, क्रेस एक्स, जेड एक्स, पोकर, स्लट, लाइभ कसिनो, अझै धेरै गेम्स। तपाईँले यो गेम्सहरू खेलेर रियल क्याश प्राइज जित्नु सक्छ। अनि मोस्ट बेटमा इन्स्टेन्ट डिपोजिट हुन्छ विथ ई सेवा अनलाइन पेमेन्ट मेथड खाल्ती, अनि तपाईँले आफ्नो विनिङलाई विड्र गर्न सक्छ, अनि कन्भिनियन्ट वेमा, त्यो पनि बिना ढिलो गरीमा, विदाउट कमिसन एन्ड नो डिलेमा। अनि तपाईँले 24/7 सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ, सो हजुरले मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने वेलकम बोनस अन फर्स्ट डिपोजिटमा पाउनुहुन्छ, एन्ड फ्री स्पिन इमिडिएटली आफ्टर रेजिस्ट्रेसन। सो अहिले जानुहोस् मेरो कमेन्ट पिन अनि डिस्क्रिप्सनमा मोस्ट बेटको लिङ्क छ, रेजिस्टर गर्नुहोस्, गएर ढेर सारा गेम खेलेर पैसा कमाउनुहोस्। अरू कुछ है गिफ्ट देने लाइक? और कुछ नहीं है भाई, मेरे पास बस इतना ही। एक चड्डी और एक टी शर्ट। अरे चड्डी दिए ही नहीं हम, दिया है। वो कॉलर भी साला इसमें तो ग्रीन और ब्लैक दिखा रहा है, यहाँ पे तो साला तू दूसरा ही कलर है, तो ये तो भाई कलर नहीं पहनना चाहिए भाई।
कंपनी बना रहा हम क्या करें भाई। नहीं 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 ये कलर नहीं पहनना चाहिए। दीपिका पादुकोण जब पहना था उसमें कितना कंट्रोवर्सी हुआ था। तो ये कंपनी कौन सा कंपनी है? नहीं नहीं हेट तेरे को नहीं होगा, ये कंपनी को कौन सा कंपनी है? क्रोमोजोन, क्रोमोजोन कंपनी को सीधा जाके मैसेज करो जस्टिस चाहिए हमें। ये क्या चल रहा है? ये हमारे हिंदू का ये वो कलर है भाई, रेस्पेक्ट कलर है भाई, भगवा कलर। ये क्रोमो कंपनी ने क्या, इसको बैन कराओ भाई। ये मेरे को अभी दिखा चला भाई, ये तो भगवा कलर है। ये तो हम तो हिंदू में इसको कितना रेस्पेक्ट करते हैं ये कलर को। इसी कलर के लिए तो बॉलीवुड में कितना कंट्रोवर्सी होता जब दीपिका पादुकोण पहना था ये। नहीं नहीं फैक्ट है, तू छुपाना, ये छुपाना नहीं जाता, तेरा कुछ नहीं जाएगा, ये कंपनी वाले को जाएगा। ये भगवा कलर सेल कर रहे हैं इंडिया में, ये नहीं करना चाहिए। चलो हाँ तो सच में ब्रांड बना रहा है, मेरे को दूसरा कलर का दे। ब्रांड बना रहा है नहीं, अभी तक क्या कोई देखा नहीं है क्या? बोलना चाहिए भाई, भगवा कलर हिंदू के लिए तो ये बहुत डिसरेस्पेक्टफुल है भाई। ये हम भी क्या अपना प्राइवेट उसमें पहनता है, तेरे को पता है ना, तो प्राइवेट चीज में पहनता है तो ये कलर, ये तो बहुत खराब चीज है भाई। ब्लैक वाला कलर दे हमको। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ ये सही है, मेरा साइज का है ना। चलो ये एक ले लेते। अरे छोड़ना भाई, पैसा दे। तू अपना भाई है, तू मेरा मुन्ना है। अरे मुन्ना देखो भाई, अंकित ने मेरे को हाफ पैंट दिया, नहीं दिया हम खाली टी शर्ट दिया, बाकी मेरे से छीन के लेके जा रहा है। और मोचा दिया गाइस, कुछ नहीं दिया भाई, चौड़ी दिया है। और मेरे को टी शर्ट भी दिया है और साथ में ये जैकेट भी दिया है। नहीं भाई कितना अच्छा है मेरा दोस्त, ये होते है ना दोस्त। 5300 का मत बोले ऐसा, मैंने प्राइस पूछा तेरे को भाई। भाई दोस्ती यारी में ना प्राइस पैसा कभी बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं भाई आना चाहिए कभी कभी, तो दोस्ती यारी में पैसा टाइम में तो एकदम आना चाहिए पैसा। जैकेट अच्छा है ना, चलो हम एक दो दिन बाद उसे राइड भी तो जा रहे हैं। हाँ, तो हम ये लेके जाएगा, हम बोलेगा स्पॉन्सर भाई अंकित गुरुजी, बाय वन गेट टू फ्री। भाई आप समझ रहे हो, मतलब इतना अच्छा अच्छा कपड़ा है। ये देखो ये जैकेट भाई ने दिया अपन को, ये होता है असली दोस्ती। नहीं हुआ, नहीं दिया भाई, कोई दोस्ती नहीं है आज से, सारा दोस्ती खत्म, जा यहाँ से, मेरा जैकेट खोल। एक बात बोलो। हाँ। मैं यही चेक कर रहा था, मैं थोड़े ना ले जाऊंगा भाई। हम तो चेक कर रहा था कि ये दोस्ती का कितना लायक है, और देख लिया आपने एक जैकेट साला 5000 के लिए, और अभी दोस्ती का बात पे इतना वो कर रहा है। तो तू देते 5000, तो तू ऐसे ही दे नहीं सकता है, हम क्यों दे? नहीं भाई नहीं देगा। चलो गाइस हम तो ले जा रहे हैं इसका जैकेट, कैमरा ऑन ही रहेगा कैमरा कट में होगा। नहीं जैकेट अच्छा है, जैकेट मस्त है, मेरे को पर्सनल हाँ दोनों तरफ लगा सकता है ये जैकेट। मिलते हैं कुछ दिन बाद, पैक करा था इसको, बिलिंग काउंटर में बिलिंग करा देता हूँ, पैक कर देता है। तो दोस्ती के लिए इतना भी नहीं कर सकता है? इतना कर सकता है? नहीं इतना कर सकता है? नहीं इतना भी नहीं कर सकता है। भाई इसको पैक करा दो यार, पैक करा दो, पेमेंट कर दो, आगे मेरा गूगल पे स्कैनर पैक कर दे, पैक कर दे, पैक कर दे, गूगल पे कर देगा घर जाके। हाँ यहाँ पे नेट नहीं चलता है, अब नेट देगा, वाईफाई देगा, तेरा नेट काम नहीं करेगा ना। मेरा क्लिप वीडियो लंबा हो रहा है भाई, एडिट करने में प्रॉब्लम हो गया मेरे को। पैक करा जल्दी, खोल ना। नहीं सच में अंकित ना दिल का बहुत अच्छा है, हम दिल का सबसे खराब आदमी है भाई। ऑल ऑफ गाइस अपने दोस्त के दुकान में काफी घंटा रहने के बाद बंद कर दिए, और अपने कुछ भाई लोग आए थे कहाँ पे, दुमसीपाड़ा से है, दुमसीपाड़ा है ना। थैंक यू सो मच भाई, देखते रहो वीडियो। अभी हम जाएंगे वो आगे वेल्डिंग बनाने वाले दुकान पे, अपना मोडगार्ड ना बनवाएंगे, ठीक है। अब इसका क्या करें अमर? नहीं नहीं अरे सिलगुड़ी जाने से पहले तो हमको लगाना पड़ेगा ना शीशा। अच्छा। यहाँ पे शीशा नहीं मिलता है ना। सुपर ग्लू से भी नहीं होगा, यहाँ का होता तो हो भी जाता। वो इंसान ने किस तरीके से तोड़ा है भाई, ऐसे करके इतना पंच मारा होगा ना। हाँ ऐसा करके करके दे दिया, पता नहीं लोगों को किस चीज का इतना जेलेसी होता है ना। हम होता तो ऐसा होने नहीं देता, ऐसा चपट मारता है ना उसको, उसका नानी याद दिला देता ना, नानी उसका पर नानी, उसका नानी का नानी, नानी का नानी सब याद आता था उसको। पुराना वाला शीशा घर पे ना, पुराना वाला शीशा मैंने सिलगुड़ी पे छोड़ के आया हूँ, ओरिजिनल शीशा है मेरे पास, वो मिरर से अच्छा शो नहीं आ रहा था ना इसलिए मैंने ये लगाया भाई। दो बार मैंने चेंज कर चुका हूँ ये शीशा, बहुत महंगा आता है यार।
सो फाइनली गाइस शाम हो चुका है और मैं अपने घर आ चुका हूँ। बाइक भी वॉश हो चुका है, अभी देखेगा कितना चमचमा रहा है, ये देखो शाइनी मार रहा है ना। सो यस गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं ड्राइव पिकनिक के लिए नदी की ओर। हमारे साथ अपने भैया है, मेरा बड़ा भैया है, साथ ही साथ अपने प्रेम चोपड़ा है, अपना कलुआ भाई भी है, जो कि ये देखो ये लकड़ी जो है ना, हम क्या दिस इज सस्पेंस में रखो इसको, ये क्या है हम बाद में बताएंगे। क्या सस्पेंस क्यों थे ना भाई? गाइस हम नदी किनारे पहुंच गए हैं, बट आगे देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा ऑफ रोड है। ओके गाइस, हम लोग अपना डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, नीचे नदी है, यहाँ पे गाड़ी रुका दिया हूँ और यहीं पे चूल्हा भी बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, एक बोतल पेप्सी है और कुछ साग सब्जी वगैरह भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे साथ में चिकन भी लेके आया है, घर से पूरा दौरा लकड़ी भी लेके आया है, यहाँ पे अभी जलाएंगे। और अपना भैया जो है ये ना ये तार बना रहा है, एक्चुअली वो भूल गया, वो जाली वाला तार लाना ही भूल गया। मैं आराम से देखो काटने चाकू था नहीं। गाइस चिकन यहाँ पे धुलाई हो चुका है और अपना प्रेम भाई जो है वहाँ पे ना वो बना रहा है, क्या बताया, चॉपिंग बोर्ड बना रहा है, नेचुरल चॉपिंग बोर्ड, ये देख सकते हैं गाइस, वो भी शुरू पाते से गाइस, शुरू पाते ये खाते खाए मुझे, एक खेप खाए हुए नहीं, सिलिंदर ना नहीं गाइस। ये अपना प्रेम भाई है मास्टर शेफ, उसने खुद नेचुरल तरीके से यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड बनाया है, अब देखिए प्याज कैसे काटेगा ये वो। और गाइस मैंने अपने घर से अकबरी भी लेके आया था, देख सकते हैं अब यहाँ पे मास्टर शेफ आ चुका है गाइस, आप मास्टर शेफ का कटिंग देखे, वो देखो ये देखो आप देख रहे हो, बाप रे बाप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस नेचुरल हल्दी, एकदम सख्त हल्दी है, ये देखो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारा बन रहा है स्मोक चिकन बन रहा है गाइस हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे ये ले आराम ले पास छोड़ दे, क्या बाहर छोड़ दे।